यस स्टूडेंट वी आर डूइंग वर्कशीट वन एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर वन दट इज फाइंड द सम डू द क्वेश्चन नंबर टू इन विच यू विल डू द सब्रैक्शन ओके इन क्वेश्चन टू यू विल डू द सब्रेक्शन क्वेश्चन आर गिवन टू यू एंड सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है जैसे आप सब्रैक्शन करते आए हो अपनी क्लास फोर में आपने की थी सेम एज इट इज आपने सब प्रेक्शन यहाँ पे करनी है ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने इस नंबर को सप्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस यानी कि फ्रॉम दिस यानी कि इस नंबर में से ये फ्रॉम के बाद वाला नंबर क्या है ग्रेटर है इसको आपने टॉप पे लिखना है और पहले वाला नंबर छोटा है जो आप नीचे लिखेंगे इस नंबर के नीचे लिखेंगे ठीक है तो यहां पे मैं आपको बी पार्ट करके बता रही हूं सारे के सारे पार्ट्स इजी हैं यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है तो बी पार्ट देखिए बी पार्ट के आपको कैसे करना है इसमें एक के बाद एक आपने कैरी लेना है ठीक है तो इसीलिए मैं आपको बी पार्ट करके दिखा रही हूं देखिए ध्यान से द क्वेश्चन इज गिवन टू यू टू फाइव कॉमा वन एट कॉमा सिक्स टू फोर इसको सब प्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से फोर जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा जीरो 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 ठीक है तो ये आप सप्रैक्ट करेंगे यू नीड टू सप्रैक्ट इट सप्रैक्ट करना है किसको इसको सप्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस यानी कि जो फ्रॉम के बाद वाला है उसमें से सप्रैक्ट करना है जो फ्रॉम के बाद वाला है दैट मीन्स वो नंबर बड़ा है है ना बड़े में से ही छोटा सप्रैक्ट होता है ऐसा तो नहीं कि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है ऐसे तो होगा ही नहीं कभी कैरी नहीं आप ले पाओगे तो बड़ा नंबर ऑलवेज आपका टॉप पे आएगा इसीलिए यहां पे लिखा है फ्रॉम दिस यानी कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर ग्रेटर है दैट्स वाई आई एम राइटिंग दिस नंबर हेयर ठीक है फ्रॉम के बाद वाला नंबर मैं यहां लिखती हूं और आपने इस नंबर को खुला खुला लिखना है ठीक है स्पेस देख लीजिए किस तरह से मैंने स्पेस दी है इतनी स्पेस आपने बीच में देनी है ये लिख दिया इसके ऊपर आपने क्या देनी है प्लेसेस क्योंकि अभी अभी हमने रिसेंटली यूनिट वन की है उसमें हमने प्लेसेस पढ़ी है हाउ टू रीड द नंबर हाउ टू राइट द नंबर तो प्लेसेस देनी यहां पे जरूरी है दिस इज वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक और टेन लैक मैं यहां पे प्लेस क्यों दे रही हूं क्योंकि जब मैं इसको सप्रैक्ट करूंगी सप्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको मैंने कोमा से सेपरेट करना है पीरियड वाइज उसको हम सेपरेट करेंगे इसीलिए ऊपर प्लेस देनी जरूरी है क्लियर नाउ व्हाट यू विल डू राइट दिस नंबर हेयर ठीक है अब इसके इस नंबर के नीचे आपने इसको रखना है बेटा मैं इसको दोबारा से लिख के बता रही हूं ठीक है एक लाइन में बीच में लीव करूंगी मैंने यहाँ पे लाइन लीव नहीं की है ठीक है एक बारी इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ आई विल लीव द लाइन सो डैट कि मुझे कैरी लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो स्पेस होनी जरूरी है तो इसीलिए ये दोबारा से लिख लेते हैं एक बार ये एक लाइन बीच में छोड़ देती हूं मैं और यहां से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ जीरो 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 फोर क्लियर अब ये वाला नंबर लिखेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे फोर वंस प्लेस से आपने इस तरह से लिखना शुरू करना है ठीक है तो फोर टू सिक्स एट वन फाइव एंड टू क्लियर माइनस साइन और यहां पे लाइन लगाएंगे इस लाइन को क्लोज भी करेंगे क्लियर अब आप यहां पे देख सकते हो बेटे जीरो 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 लिखा हुआ है यहां पे तो इसका मतलब क्या है कि आपने फोर से एक कैरी इसको देना है ये फर्दर आगे देगा ये आगे देगा आगे देगा और चलता जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपकी सब्ट्रेक्शन होनी है और एक के बाद एक कैरी जाएगा तो स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे फोर एक कैरी किसको देगा जीरो को और ये बन जाएगा थ्री जब जीरो को कैरी दिया ये बन गया टेन अब जब टेन इसको आगे फर्दर देगा कैरी तो ये बन जाएगा नाइन अगेन ये क्या बना टेन और टेन आगे देगा एक तो ये नाइन हो गया ये टेन और ये नाइन ये टेन ये नाइन टेन नाइन और अब ये इसको क्या कर रहा है एक कैरी दे रहा है अब इसको हम नाइन नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने टेन ही रहने देना है आगे कोई और जीरो नहीं है तो ये आपका टेन ही रहेगा क्योंकि इसने आगे तो कहीं देना नहीं डिजिट कोई कैरी नहीं देना तो ये टेन का टेन ही रहेगा क्लियर तो इस तरह से आपने एक कैरी के बाद एक कैरी आगे फर्दर देना है सो टेन माइनस फोर दिस बिकम सिक्स नाइन में से टू गए सेवन नाइन माइनस सिक्स थ्री नाइन माइनस एट वन नाइन माइनस वन एट नाइन माइनस फाइव फोर थ्री माइनस टू दिस इज वन नाउ वी विल सेपरेट इट बाय कोमा ठीक है कोमा से सेपरेट करेंगे और पीरियड वाइज सेपरेट करेंगे लैक के बाद टेन थाउजेंड है तो यानी कि यहां बीच में आ जाएगा कोमा फिर थाउजेंड के बाद हंड्रेड आ रहा है तो यहां बीच में कॉमा आ जाएगा तो इस तरह से आपने बेटा आंसर जब आप निकाल लेंगे सब कर लेंगे तो आपने कॉमा जरूर लगाना है इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कॉमा आप जरूर लगाएंगे पीरियड वाइज नाउ इफ वी विल रीड दिस नंबर हाउ वी विल रीड दिस नंबर दिस इज फोर्टीन लैक एटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी सिक्स लाइकवाइज ऑल द क्वेश्चन शुड बी डन ओके